राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश जी इसमें घबराने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान है? ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है, मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ, तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीम्स देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रोहित वर्मा। देखिए, बिहार के छपरा में जिस तरह से पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों ने अपनी जान को गंवा बैठी, जिसके बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। लगातार विपक्ष यानी बीजेपी सत्ता पक्ष पर हमला बोल रही है। और इस बीच देखिए, आज सुबह हमने आपको दिखाया कि ललन सिंह ने किस तरह NHRC की टीम जब पटना पहुंची है तो उनका बयान सामने आता है। और अब देखिए, NHRC यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम जब पटना एयरपोर्ट पहुंची और छपरा पहुंचने की भी खबर जो है वो सामने आ रही है कि अब NHRC टीम को जो है वहां से पूरा रिपोर्ट लेना है और रिपोर्ट आयोग को सौंपना है। तो देखिए, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी का इस पर क्या कुछ बयान सामने आया है और उन्होंने ये तक कह दिया है कि सरकार डर क्यों रही है, क्या कुछ गलती हुई है क्या। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम अगर बिहार आ रही है तो नीतीश इसमें घबराने की क्या जरूरत है, क्यों परेशान है? अगर आपने झूठ नहीं कहा, कोई गलत नहीं किया, आपको छिपाने के लिए नहीं है, तो फिर डरने की क्या बात है? और देखिए, जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये एक स्वायत्त शासित संस्था है, स्वतंत्र संस्था है, और ये बीजेपी शासित राज्य में भी जाती है। मोरबी में जब घटना घटी, ब्रिज टूटा या उसके पहले एक शराब कांड हुआ, तो वहाँ की राज्य सरकार को नोटिस देने का काम किया था आयोग ने। और इतना ही नहीं, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में और उत्तर प्रदेश के जो मेंटल हेल्थ सेंटर था, उसकी जाँच करने के लिए टीम, फुल टीम गई थी वहाँ पर। और बिहार में जब हम लोग सरकार में थे तो एक दर्जन से ज़्यादा जहरीली शराब से जुड़े मामलों में मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को नोटिस दिया है, संबंधित DM को नोटिस दिया, DGP को नोटिस दिया, और दो मामलों में तो मानवाधिकार आयोग ने 3-3 लाख रुपए देने का निर्देश किया है। ये कोई आयोग पहली बार किसी राज्य में नहीं जा रही है, उसको कोई बीजेपी और गैर बीजेपी से मतलब नहीं है। अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री इतना निर्दयी हो जाए, इतना संवेदनहीन हो जाए, तो कहे कि जो पिएगा सो मरेगा और मुआवजा देने से इनकार कर दे और 100 से ज़्यादा लोग मर जाए, लोग कहें कि केवल 38 लोग मरे हैं, तो वैसे राज्य में क्या मानवाधिकार आयोग को जाने की आवश्यकता नहीं है? क्या गरीब का कोई मानव अधिकार नहीं है? क्या उन विधवाओं का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन अनाथ बच्चों का कोई अधिकार नहीं है? इसलिए नीतीश जी, मानवाधिकार आयोग की अगर टीम गई है तो उनको पूरी बात बताइए, उनको जाँच करने दीजिए, उसे काम अड़ंगा बन डालिए। तो आपने सुना सुशील कुमार मोदी के इस बयान को, जिनमें वो साफ तौर से महागठबंधन की सरकार से ये पूछते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कोई गलती है तो डरना क्या है? NHRC एक आयोग है और रिपोर्ट वो सौंपेगी। गुजरात का हवाला देते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि जब गुजरात के मोरबी में हादसा हुआ था तो ये टीम वहां भी गई थी, रिपोर्ट सौंपी, तो डरना किस बात का है? अब देखना है कि सत्ता पक्ष यानी महागठबंधन की सरकार पर जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने हमला किया है और सवाल खड़ा कर दिया है, तो सरकार के तरफ से और सरकार में बैठे लोगों के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। बहरहाल, इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।